वेद तत्व तुम सुनो सुजाना, अर्जुन गीता कृष्ण बखाना। अब सो में तुम सन कथा सुनाओ, तत्व भेद मता बुझाओ। अब मैं कथा सुनाऊंगा तो आपको साथ साथ में असली बातें भी बताऊंगा। असली बातें बताने के लिए मैं शास्त्र खोला हूँ या कथा सुनाने की मंशा से शास्त्र को खोला हूँ। वो कहते हैं शास्त्र वेद पुराणा माही, गीता माता तत्व जो आई। हे भाई, कोई भी शास्त्र के पहले ठीक ढंग से महत्व समझ लेना चाहिए, तब आगे की बातें समझ में आएगी। क्या कहते हैं कि वेद से वेदांत चले और फिर पुराण चले। 18 पुराण हैं, वो भी वेद व्यास जी ने लिखे। परंतु वे वेद व्यास जी के जो 18 पुराण हैं उसको अभी देखो, आप ध्यान से सुनो। कथाकार क्या कहते हैं, विष्णु पुराण सुनो, शिव पुराण सुनो। कहते हैं कि नहीं, आज शिव पुराण की कथा है, सब आना सत्संग में। आज विष्णु भगवान की कथा है, हैं और सभी आ जाना। आज निश्चत पुराण की कथा है, आज अग्नि पुराण की कथा है, हैं आज सूर्य पुराण की कथा है, और जब मर जावे तो गरुड़ पुराण की कथा है। कोई मर जाए तो उसके पीछे गरुड़ पुराण सुनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको अनुभव के लिए बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जितने पुराण हैं वे 18 हैं, और 18 पुराणों की कथा अलग अलग सुनोगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मेरी गीता का महत्व यह है कि 18 पुराण को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और तुम मेरी एक गीता ही पढ़ लेना। तो उसमें 18 पुराणों और वेदों का सार उसमें आ जाएगा। ये बात किसने कही, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही। और फिर यहाँ सद्गुरु कबीर क्या समझाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता को पुराणों से बड़ा बताया है। तत्वमता जो कृष्ण सुनाया, सद्गुरु तो कुछ अगम बताया। तत्व नितत्व दो होते न्यारा, धर्म दास तुम करो विचारा। जो सुनसे गीता के माई, सो अब सकल सुनाऊं तो ही। हे अर्जुन, हे धर्मदास जी, जो गीता है उसमें तत्वों का बोध है, और मैं जो तुम्हें व्याख्या करके बताऊंगा, मैं तुम्हें जो सतलोक का ज्ञान दूंगा वह नितत्व है। तत्व और नितत्व दोनों ही समझाऊंगा, तब जा कर के तुम्हारा संसार से मोह हटेगा। जो संशय गीता के माई, सब सकल सुनाऊं तो ही। और जो भी संशय आपको होता है, गीता पढ़ने के बाद भी आपके मन में संशय होता है, वो सब मैं आपका मिटा दूंगा। गीता का अब गम बताओ, सार शब्द साथ में भेद बताऊं। कबीर साहब कहते हैं गीता भी बताऊंगा और सार शब्द भी साथ में बताऊंगा। क्यों, तुलना नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। देखो, एक मोबाइल है चाइना का, एक मोबाइल है जापान का, इंडिया का। अब दोनों को साथ में बताएंगे, देखो भाई ये चाइना का है और कम पैसे लगते हैं, पर जब भी घिर जाए ना तो इसका राम राम सत हो जाता है। और ये जो है जापानीज है, ये इंडियन है, हैं ये अच्छी कंपनी का है, ये सैमसंग का है। तो सैमसंग का ना, है ना, आपके हमेशा संग रहेगा, लंबा संग चलेगा, और बाकी का है ना संग टूट जाएगा। तो आपको सैमसंग लेना है कि वो दूसरा लेना है चाइना का? ना ना, मुझे चाइना का नहीं लेना भाई, तब तो इससे ही काम करना है, सैमसंग ले लो, है ना। तो इसी प्रकार से मैं तो एक उदाहरण दिया हूँ। तो आपको ना दोनों बताएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा।
इसी प्रकार से सत्संग में आपको दोनों बात बताई जाएगी कि ये श्री कृष्ण के विचार हैं, ये बंदी छोड़ कबीर साहब सदगुरु साहिब के विचार हैं, ये दोनों के विचार को बताया जाएगा। सदगुरु कहते हैं ये मेरा विचार है, ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, ये उनका विचार है। दोनों विचार में आपको तुलना करना है। तुलना आपको करना है कि सदगुरु की बात विशेष विशिष्ट विशिष्ट है कि श्री कृष्ण की बात कहाँ तक जा करके जो है मानी जाएगी, ये आपको विचार करना है। अब चलते हैं और गीता में ये प्रसंग है, प्रथम अध्याय में दोनों दल एक कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण महाराज अपना रथ ले जाकर अर्जुन को कहते हैं, अब देख लो तुम्हारी सेना में कौन कौन आए और विपक्ष की सेना यानी दुर्योधन की सेना में कौन कौन आए। तो वहाँ खड़े अर्जुन देखते देखते मोहित हो जाते हैं, मोह हो जाता है और कहते हैं, हे कृष्ण, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, इसको हम किस लिए मारें? अगर मार भी देंगे तो फिर हम राज किस पर करेंगे? इसमें तो हमारे चाचा जी हैं, हमारा कुल परिवार है, हमारे बहनों ही हैं, हमारे गुरु हैं, जहां लग देखूं दोहूं सेना, आपन कछु मारो कहीं नैना। इन सेना को देख करके मुझे लगता है कि मैं इन्हें क्यों मारूं, किस लिए इनसे युद्ध करूं? क्योंकि दोनों दल में और दूसरे कोई नहीं, हमारे ही चाचा हैं, हमारे ही भतीजे हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही गुरुजन हैं। विधवा हो सकल नारी, और जितने सेना है, सेना में जो सैनिक मारे जाएंगे उसकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। ऐसे दोष नेत कुन भारी, और सभी विधवा स्त्रियों के जो लड़के लड़कियां होगी, बाल बच्चे होंगे, वो किसको पिताजी कहेंगे? उनको कौन भोजन कराएगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? माताएं विधवा हो वरण संकर पुत्र जन्मेंगे। राजपाट में कछु न चाहो, इसलिए मैंने निर्णय किया, अर्जुन कहता है, मुझे राजपाट की जरूरत नहीं, मुझे पांच गांव की जरूरत नहीं, मुझे हस्तिनापुर राजा बनने की, राजपाट करने की इच्छा नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति कुल धर्म निभावा, और सुख संपत्ति की इच्छा नहीं, तीनों लोक राज जो देई। देखिए अर्जुन के जवाब सुनिएगा, अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं पीछे जाके बैठ जाता है, धनुष बाण रख देता है, और मैं अपने परिवार को कैसे मारूं? तीनों लोक का राज भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। अब देखिए किस क्या कहते, तीनों लोगों का राज मिल जाए, तीनों लोगों में कौन सा? स्वर्ग लोग, नरक लोग और मृत्यु लोग। इन तीनों लोगों का अगर राज भी मिलता हो तो मैं ऐसे युद्ध को नहीं करूंगा, मना कर दिया। जो तुम कहो उन अवगुण की ना, और छह प्रकार मार हो लेना, तीनों प्रकार न मारा चाहिए तो ये मोही दोष नहीं आई। छ में एक प्रकार जो हुई
ताके मारे दोसन सोई। तब श्री कृष्ण क्या बोले, ध्यान दीजिए, सुनिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, इन लोगों को आप मारोगे कोई दोष नहीं लगेगा, दिमाग से निकाल दो। क्यों? छह प्रकार का पाप करने वाले लोगों को तुरंत मार देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। तो अर्जुन को समझा रहे कि छह प्रकार का पाप करने वालों को मार देना, जीवित ही नहीं रखना, कोई दोष नहीं लगे। तब अर्जुन कहने लगा कि कौन से कौन से। तब धर्मदास जी कहने लगे कि कौन से कौन से। ध्यान से सुनिए, हालांकि समय हो गया है, क्या समय? तीन लोक। तब धर्मदास विनय अनुसारी छ प्रकार कवन को भारी, तही प्रकार न मारा चाहिए, सो सब स्वामी मौसे कहिए। धर्मदास जी बोले कि अर्जुन को छह प्रकार के दोषी जीव को मारने को कहा गया, तो वो छह प्रकार के दोष कौन से हैं वो हमें समझाओ। बिल्कुल सरल बात है। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे अर्जुन, एक तो कोई भी बिना कारण, यानी बिना कारण जो युद्ध करने आ जावे और अपने को मारना चाहे, चाहे वो शेर हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने आत्मा की घात करने के लिए कोई आ जावे तो उसे युद्ध करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी शहर में, गांव में, बस्ती में आग लगा करके चला जाए उसको मार देना चाहिए, क्योंकि आग लगाएगा तो पशु पक्षी सब खत्म हो जाए। तीसरी बात है, कोई राजा राज कर रहा है और कोई दूसरा राजा उस पर चढ़ाई करे, उसका राज छुड़ाना चाहे, तो उसे भी मार देना कोई पाप नहीं लगेगा। चौथी बात है, पराई स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहे जबरन, जैसे रावण ने सीता को उठा के ले गया, ऐसे व्यक्ति को मार दो तो कोई पाप नहीं लगे। पांचवी बात है कि जिंदगी भर आप कमाओ पसीना की कमाई और चोर चोरी करके उसको 10 मिनट में ही ले जाएं, तो जो भी चोर आपकी वस्तुओं को चुराए, धन को चुराए, जेवर को चुराए, है ना, उस चोर को मार देना तो पाप नहीं लगे। छठी बात है कि बिना कारण आपके ऊपर हमला बोले, इन छह जनों को मारे तो कोई पाप नहीं लगता है। छह अपराध हमी को लागे तो उन हतो कर्म सब त्यागे, मौसो यह अपराध न होई सब जो मोह को यही मारे भिगोई। अब अर्जुन ने क्या कहा कि छह अपराध करे तो भी मैं नहीं मारूंगा, और कोई मुझे बार के भी चला जाए तो चला जाए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा।
अर्जुन धनुषबाण गए डारास, सबका अपना मोह अपना बंधु बिचारा, सब मेरे हैं, मेरे परिवार ही दोनों तरफ है, मैं किसी को नहीं मारूंगा केशव, और पीछे जाकर बैठ गया। सुनो संत अर्जुन विखादा, जान किनो वाद विवादा, और कई प्रकार का वाद विवाद कृष्ण जी के साथ हुआ। अर्जुन मोह संपूर्ण भयु, कृष्ण अपन मन मत जो ठयु। इस तरह कृष्ण जी समझा रहे अपने ढंग से, और अर्जुन को मोह हो गया। ब्रह्म ज्ञान ते यही समझाऊं, और काल रूप अपनो दिखलाऊं। ब्रह्म ज्ञान देख करके उसे समझाते हैं, देख भाई इस युद्ध में जो मरेगा है वो आत्मा तो कभी नहीं मरती, मरता तो शरीर है। इस तरह से उसको ब्रह्म ज्ञान देख के समझाते हैं। और साहिब कहते हैं कि कृष्ण जी का विचार है कि युद्ध होना ही चाहिए, युद्ध को मत डालो। वो कहते हैं युद्ध तो करके ही रहो, इन सबको धनुष मान से मार डालो। तब ये माने कहा हमारा मारो फोड़ सकल परिवारा। जब तक अपना कहना नहीं मानते हैं तब तक दुर्योधन की सेना का नाश कर दो। धर्मदास ये काल स्वभाव, अर्थात जो ये श्री कृष्ण जी महाराज का विचार है ये एक राजा सा ही विचार है। ध्यान दे कि सुनिएगा, कृष्ण जी का विचार और राजा का विचार एक समान है। ये सतगुरु का विचार नहीं है, सतगुरु तो सबको ज्ञान देके मुक्ति प्रदान करना चाहते। तो मैं तुम्हें असली बात बताऊं, इसमें श्री कृष्ण भगवान का कोई दोष नहीं है। क्यों? कि श्री कृष्ण भगवान जो है निरंजन के पुत्र है, निरंजन के पुत्र है। पहले तो विष्णु भगवान है, विष्णु के अवतार में श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण जी का अवतार है। तो जैसे पिता का स्वभाव रहेगा ऐसे ही तो पुत्र का स्वभाव रहेगा। जैसे निरंजन के बारे में तुम जानते हो कि निरंजन महाकाल है जो इस सृष्टि को गुणों के द्वारा, माया के द्वारा उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है। शास्त्र कहते हैं कि काल ही सबका भगवान है। अगर काल भगवान नहीं होता तो इस सृष्टि को बनाता कौन, इस सृष्टि को पालन कौन करता, इस सृष्टि का संहार कौन करता? जब इतने मनुष्य जन्मते हैं, इतने मनुष्य शादी ब्याह करते हैं, इतने मनुष्य मर जाते हैं, तो इसका समांतर संतुलन काल ही तो करता है, और कौन करता है? इसलिए शास्त्रों में ये कह दिया गया कि काल जब भी चाहता है वो किसी को नहीं छोड़ता, न नर को, पशु को, पक्षी को, 84 के जीव को, देवताओं को, सबको काल खा जाता है। इसलिए काल भगवान सबसे बड़ा भगवान होता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो इस तरह अगर आपको समझ में नहीं आवे तो 11वें अध्याय में समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन बिल्कुल ही मना कर देगा कि मुझे तो युद्ध नहीं करना है। और उस समय श्री कृष्ण महाराज विराट रूप धारण करेंगे। उस समय अर्जुन पूछेगा हे देव आप कौन हो, उस समय विराट रूप में जो श्री कृष्ण महाराज के अंदर जो विराट रूप प्रकट होगा निरंजन का, वो सब कहेंगे कि मैं, ये नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण हूँ, ये कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा और लंबा विशाल बड़ा हुआ,
काल हूं, महाकाल हूं। तो अपने आप कहेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जो महाकाल है, काल है, वो जीवों के पीछे पड़ा हुआ है। अब बार बार जीवों को जन्माएगा, बार बार पालन करेगा, बार बार मारेगा, संहार करेगा। अब ये जितने दूसरे उपदेश देने वाले लोग हैं, कथा सुनाने वाले हैं, ये कहते हैं कि काल ही भगवान है और भगवान ही काल है। और मैं कबीर आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो काल निरंजन है वो भी अक्षर ब्रह्म से है, और अक्षर ब्रह्म जो है वो अगले अगले ऐसे मूल में सतपुरुष है। जो सतपुरुष है वही सबका असली भगवान है, असली मालिक है। ये तो बीच में इनको राज दिया गया है, इसलिए ये मालिक बने हुए हैं। अगर समझ में नहीं आता तो एक किराएदार से पूछना कि ये घर किसका है, तो किराएदार क्या कहेगा कि ये घर मेरा है। क्या वास्तव में असली में किराएदार का घर है? नहीं, उसके नाम का पट्टा भी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी, विष्णु लोक के देवता विष्णु जी, शिव लोक के देवता शिव जी, और शक्ति के लोक के देवी शक्ति, और निरंजन के लोक के देवता निरंजन, ये सब सतपुरुष के हुक्म से इस देश को बना करके रचना कर रहे हैं। और जीवों से ये बात छिपा रहे हैं कि भाई वो तो यही कह रहे हैं कि हम ही तुम्हारे पिता हैं, हम ही संसार को रचनहार हैं और हम ही सृष्टि को चलाने वाले हैं, आगे की शुद्धि नहीं होने देते हैं। समस्या ये है, जो असली सतपुरुष है वहाँ तक जीवों को उपासना नहीं करने देते हैं, यही जन्माते हैं, यही शादी ब्याह और यही मौत होती है, मारते हैं। ये सब रचना करके इस जितने भी जीव दिख रहे हैं इनके शरीरों को मिट्टी, अग्नि, हवा सब वापस इसी से बना है शरीर, और वही काल बन करके खा जाएगा। इसलिए इस काल से बचना चाहते हो तो मेरे अमरलोक का नाम लो और आगे बढ़ो। धर्मदास ये काल स्वभावा, जाके जपन सृष्टि मन लावा। कुछ भी नहीं बजाना है। सुर नर मुनि सब छल छल मारा, कोई नहीं छूट्यो इस संसारा, ताते सतगुरु शब्द पुकारा, चीनो तत्व भेद टक सारा, मूरख सत्य शब्द नहीं जाने, झूठ ही झूठे सदा सुख माने। अब जो मूर्ख है वो मेरा सत शब्द नहीं मानेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, जो मूर्ख आत्मा है वो सिद्धांत की बात नहीं मानती, सत्य की बात नहीं मानती। पढ़ पंछीय जग की रचना, बिना सतगुरु तो कोई नहीं बचना। बोलो सतगुरुदेव की। अब ध्यान दे के सुनिए, इसमें जो काल बताया वो ही मैंने आपको 8 दिन पहले, 8 दिन तो हो गए ना कथा करते, 8 दिन पहले मैंने उसी काल का जिक्र किया। और मैंने आपको क्या बताया कि आँखों के पीछे जो रहने वाला मन है उसी को निरंजन कहते हैं, बताया कि नहीं बताया? और वही
निरंजन कानों में सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, और जो ये त्रिकुटी से ऊपर जो दसवें द्वार में जो निरंजन है वो आद्याशक्ति का पति है, और वहाँ पर बैठ करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी को ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है।